हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीबी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं विद्युत मंडल से आने वाली तीन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने वाला हूँ जो उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा आती हैं, और इन प्रॉब्लम की वजह से ही उपभोक्ता सबसे ज़्यादा परेशान होता है। तो ये तीन प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है ओवर बिलिंग, जो ज़्यादा राशि के बिल आ जाते हैं। उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम है आंकलित बिल, जो अनुमानित रीडिंग वाले बिल आते हैं, और तीसरा जो है ज़ीरो रीडिंग वाले बिल के। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा जो ज़्यादा राशि के बिल आते हैं। जैसे किसी घर में 500, 1000 या 1200 के आसपास अगर बिल आता है, तो उस घर पर अगर एकदम से ज़्यादा राशि का बिल आ जाता है, जैसे 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार या 50 हज़ार के बिल, तो उस बिल में आप देखेंगे कि किसी एक महीने के अंदर ही आपको ज़्यादा रीडिंग वाले बिल मिलेंगे। सपोज़ जैसे आपके घर में 100-125 रीडिंग के आसपास जलती हैं, लेकिन जिस महीने आपको ज़्यादा बिल आएगा उस महीने आपको 1000, 2000, 3000 ऐसे रीडिंग वाले बिल आएंगे। और ये बिल आने का कारण ये होता है कि मीटर रीडर ठीक ठीक तरह से आपकी घर की रीडिंग नहीं लेता है, और जब 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर में जब वो सही तरीके से सही रीडिंग आपकी घर से लेकर के जाता है, तो उस समय जो पूरा रीडिंग का डिफरेंस आता है, और ये उसका कारण होता है। तो इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसके बाद में हम दूसरा प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं, जो कि आंकलित रीडिंग या अनुमानित रीडिंग का बिल होता है। इस केस में भी मीटर रीडर की ही वजह से ये प्रॉब्लम आती है, जो कि जैसा कि मैंने बताया है कि वो 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर ठीक तरह से आपकी रीडिंग नहीं लेते हैं और अपनी मर्जी से डालते हैं। और इस आंकलित रीडिंग को एक तो उस बिल में भी लिखा होता है, या किसी किसी बिल में ऐसा होता है कि उसमें आंकलित बिल नहीं लिखा होता, लेकिन मीटर रीडर आपके अगर नहीं आता है और अंदाजे से वो 100 या 125 या 150 रीडिंग के आसपास, ज़्यादातर वो राउंड फिगर में होता है, या तो 100 में डालते हैं या 150 रीडिंग में डालते हैं। तो ऐसे जिस घर में जैसी खपत होती है उसके हिसाब से, और मोस्टली ये जो होती है राउंड फिगर में आती है, तो उसे आप देख करके समझ सकते हैं। उसके बाद में जो तीसरी प्रॉब्लम आती है ज़ीरो रीडिंग के बिल में, ज़ीरो रीडिंग का बिल आना भी मीटर रीडर की वजह से होता है, या किसी महीने वो रीडिंग लेने नहीं जाता है तो उस महीने वो ज़ीरो रीडिंग का बिल भी भेज देते हैं। ज़ीरो रीडिंग का बिल आने से प्रॉब्लम ये होती है कि उस बिल के अंदर आपको यूनिट का चार्ज तो नहीं होता है, लेकिन सर्विस चार्ज, मंथली चार्ज, जो भी इनके विद्युत मंडल के जो 4-5 चार्ज वगैरह लगते हैं वो आपको लगे होते हैं, जो कि 300, 400 या 500 के समथिंग होते हैं। और इसमें मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जो 0 से 50 तक की रीडिंग होती है, उसके लिए सपोज़ अगर आपको MPB 5 रुपये चार्ज लगाती है पर यूनिट से, तो 50 से ऊपर जाने पर, 50 से 100 जाने पर कुछ पैसा उस पर बढ़ जाता है, 100 से 150 जाने पर कुछ और चार्ज बढ़ जाता है। तो जैसे अगर आपके घर पर हर महीने 150 रीडिंग के आसपास खपत होती है, तो अगले महीने आपकी वो रीडिंग जब सही तरीके से ली जाएगी तो वो 300 या 350 रीडिंग होगी। अब इसमें आपका नुकसान ये होगा कि मैंने जैसा कि बताया कि 300 रीडिंग के ऊपर जो है चार्जेस और ज़्यादा लगता है, तो जहां आपको 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज लगता था, तो आप सपोज़ 6, 6.5, 7 रुपये के आसपास चार्ज आपको लगेगा, तो उसमें होगा ये कि जो नेक्स्ट मंथ का आपका बिल होगा वो ज़्यादा अमाउंट का आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। इन तीनों ही प्रॉब्लम में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें मीटर रीडर का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो ठीक तरह से अगर रीडिंग नहीं लेता है तो इन तीनों में से आपको कोई एक प्रॉब्लम तो 101% आनी ही है। और आपको मैं कहना चाहूँगा कि इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि जब आप जोन पर इसकी कंप्लेंट करने जाएं, आपके विद्युत मंडल का जो भी जोन है वहाँ पर आप जब कंप्लेंट करने जाएं, तो वहाँ के अधिकारी आपको जो है या तो 1912 पे आपको कंप्लेंट करने का बोलेंगे, जो कि MPB के कॉल सेंटर हैं, तो उसमें कभी कभार छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जैसे जो मेरा केस था 60 हज़ार के बिल का जो था, जिसमें एक ही महीने मुझे 6022 रीडिंग का बिल आया था, तो उसमें मुझे 1912 से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था, और उसमें मैंने CM हेल्पलाइन में 3 कंप्लेंट करी थी, जबकि मैं CM हेल्पलाइन के लिए बिल्कुल मना करूँगा कि आप CM हेल्पलाइन में किसी भी तरह की विद्युत मंडल से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट ना करें। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो मैं इससे पहले CM हेल्पलाइन के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि CM हेल्पलाइन में कंप्लेंट करने से आपको क्या नुकसान होता है। तो आप मेरी वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी, और मैं बताऊंगा कि इसका कंप्लेंट करने का तरीका क्या है। तो जब आप जैसे ही जोन पर जाएं, तो वहाँ पर अपनी एक लिखित कंप्लेंट दें, और लिखित कंप्लेंट आप जब भी दें तो उसकी 2 कॉपी लेकर के जाएं। एक कॉपी पर आप वहाँ पर सील और सिग्नेचर ला करके एज अ रिसिप्ट वहाँ से वापस लेकर के आएँ, और उनसे आप टाइम पूछें कि ये प्रॉब्लम कितने टाइम में सॉल्व हो जाएगी।
और अन्यथा अगर वो मतलब उतने टाइम पीरियड के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं तो तुरंत आप उपभोक्ता फोरम में जाएं उस रिसिप्ट को लेकर के। ये रिसिप्ट ही हमारे पास एक प्रूफ होगा कि हमने ये कंप्लेंट करी थी और इसमें ये प्रॉब्लम थी विद्युत मंडल की जिसको इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं किया। उपभोक्ता फोरम में कंप्लेंट करने के लिए एक रिसिप्ट या कोई एक प्रूफ आपके पास कंप्लेंट का ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सपोज कंप्लेंट करने के लिए जोन के ए या जेई से मिलें और अगर वो आपसे किसी भी तरह कोई कमिटमेंट करते हैं कि हम इसको 5 दिन में, 10 दिन में या एक हफ्ते में इसको सही कर देंगे और अगर वो सही नहीं करते हैं बाद में उससे अपने कमिटमेंट से अगर वो मुकर जाते हैं, अपनी बात से मुकर जाते हैं, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हमने ये कंप्लेंट करी थी, इन्होंने हमें ये बोला था कि हम इतने टाइम में कर देंगे और ये नहीं किया, तो उसका सबूत होना बहुत मतलब एक प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने भी कॉल सेंटर हैं या जितने भी हेल्प डेस्क या वेबसाइट या ऑनलाइन जो कंप्लेंट होती हैं उसके अलावा आप एक लिखित कंप्लेंट जरूर करें जो कि आपको आगे फ़ायदा देगी और ये बहुत ज़रूरी है अपने पास लिखित कंप्लेंट होने के। और ये उपभोक्ता फोरम वो उपभोक्ता फोरम नहीं है जिसमें हम खरीदी बिक्री से रिलेटेड केस करते हैं शॉपकीपर्स के ऊपर या किसी भी कंपनी के ऊपर। तो ये जो उपभोक्ता फोरम है इसकी एक अलग ही आपके उपभोक्ता फोरम के मतलब जो विद्युत मंडल का जो वो मेन ऑफिस होता है उसके अंदर इसका एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है। आप वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी। जैसे हमारे इंदौर क्षेत्र में एमपीईबी का सबसे बड़ा ऑफिस पोलो ग्राउंड में है, तो वहाँ पर इसका एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ पर अपन इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और यहाँ पर आप किसी तरह कोई पैसा या चार्ज नहीं देना होता है। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो सकती है और बहुत जल्दी आपको यहाँ से उसका रिजोल्यूशन मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्युत मंडल से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के लिए आप मेरी वेबसाइट mpebcorruption.in पर विज़िट ज़रूर करें। इस पे सभी तरह के सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए हुए हैं और बहुत लोगों के मैंने इसके ऊपर केस जो मेरे पास आए थे उनको मैंने पब्लिकली शेयर किया हुआ है उनकी मर्ज़ी से, कि ताकि दूसरे लोगों को जागरूकता हो सके या दूसरे लोगों को उससे मदद मिल सके कि आपको किस तरह से कंप्लेंट करना है या किस तरह से लोगों को समस्या आती है, या अगर अभी किसी को समस्या ना भी आई हो इस तरह की तो वो इसके ऊपर जितने भी जो केस हैं उनको देख करके उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि आपको भी कभी इस तरह की समस्या आ सकती है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप एक बार मेरी वेबसाइट को जरूर जरूर विज़िट करें और इस पर देखें कि किस तरह से लोगों के बिल इस पर अपलोड हो रहे हैं, उनको इस तरह से समस्या आती हैं। आप भी अपने बिल को बहुत इजीली उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिखेगी। तो प्लीज़ आप www.mpebcorruption.in पर एक बार विज़िट ज़रूर करें। आपको विद्युत मंडल से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या हो आपको उसके ऊपर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।